हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। मैं दीपान्विता आज आप लोगों को बताऊंगी पनीर और मशरूम बिरयानी कैसे बनता है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले पैन में 3 चम्मच घी डालेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल से इस रेसिपी को बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल घी दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। तो घी यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, स्टार एनीस, शाहजीरा, इलायची और लवंग। इन खड़े मसालों को 2 मिनट के लिए घी में भुनेंगे ताकि जो इसके फ्लेवर है वो घी में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और प्याज को हाफ हमें फ्राई कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ और इसे भी 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे जैसे कि 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला। आप चाहे तो बिरयानी मसाला की जगह गरम मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर अच्छी तरह से मिला ले। और इसे कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से कुक हो जाए। देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 12 से 15 काजू का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच दही और दही को लो फ्लेम में हमें मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। आप धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे सिर्फ धनिया पत्ता का इस्तेमाल किया है। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ मशरूम। मैं यहाँ पे फ्राई किया हुआ मशरूम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो कुकिंग टाइम है वो जल्दी हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ पनीर और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे मसालों के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाकर फिर से कवर कर देंगे ताकि जो पनीर और मशरूम है
उसमें मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से जाए। अब इसमें डाल देंगे कुछ ग्रीन चिलीज, ताकि जो ग्रीन चिलीज का स्पाइस है वो इस समय पे ना जाए, इसलिए हम अभी लास्ट में डाल रहे हैं। अब इसमें एक चावल का लेयर लगा देंगे। तो मैंने चावल को ऑलरेडी पहले से बना के रखा था, तो ये बासमती राइस है, इसे मैंने आधा घंटे तक भिगोकर फिर 80% के लिए कुक कर लिया है, और इसे एक लेयर लगा देंगे। अब इसमें डाल देंगे घी 1 बड़ा चम्मच, कुछ फ्राई किया हुआ अनियन, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता और कुछ और ग्रीन चिलीज, अब इसमें डाल देंगे। मैंने ये दूध में भिगो के रखा था येलो फूड कलर, अब इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, रोज वाटर, केवरा वाटर, और इसे फिर से कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। हम इसे लो फ्लेम में दम देंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है, तो देखिए अब मैं इसको एक साइड से थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर दूंगी, ताकि जो नीचे का जो मसाला, बिरयानी का जो मसाला था वो ऊपर आ जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में ही उतनी ही टेस्टी बनी है मशरूम और पनीर बिरयानी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए मैं आपको एक बार क्लोज से दिखा दूं। तो आप सभी ने देख लिया है कि पनीर और मशरूम बिरयानी को कैसे बनाया जा सकता है ना, डिलीशियस एक बिरयानी की रेसिपी। तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइए, और इस रेसिपी के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह नए नए टेस्टी टेस्टी बहुत ही मज़ेदार खाने का रेसिपी देखने को मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय।